समाधान यात्रा के दौरान छपरा पहुंचे मुख्यमंत्री ने बन रहे मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के दौरान सोमवार को उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ छपरा पहुंचे। सबसे पहले वे दरियापुर प्रखंड के भैरवपुर गांव गए, वहां जीविका दीदी के कार्यों को देखा और सराहा। वहां से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छपरा पहुंचे, छपरा में बन रहे मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कहा कि 6 महीने में मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो जाना चाहिए। इसी बीच उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा 15 अगस्त को इसका उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुबह 11:20 पर पूरे काफिले के साथ सड़क मार्ग से दरियापुर प्रखंड भैरवपुर गांव पहुंचे। वहां सबसे पहले जीविका के माध्यम से संचालित जूता कारखाना का जायजा लिया। इसके बाद बस्ती के अंदर नल जल योजना का काम देखा। गांव के लोगों से मुलाकात करने के साथ जीविका दीदी से मिलने पहुंचे। जीविका दीदी के कार्यों को देखकर उस सराहना की। उन्होंने कहा कि जीविका के माध्यम से जिले की महिलाओं का काफी विकास हो रहा है। अब महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर परिवार का भरण पोषण कर रही। उन्होंने जिलाधिकारी राजेश मीणा को जीविका दीदियों के साथ बैठक करके और उनके कार्यों को देखने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री 12:05 पर भैरवपुर गांव से छपरा के लिए रवाना हुआ। इतना रखो 6 महीने के अंदर इसको तैयार कर देंगे। नहीं आ रहा तो क्या करें, बोलो ना, हम अपने तैयार करा पड़ता है होगा तो उसको शुरुआत कराने भी चले आवेंगे। आज तो इसलिए देख रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी बन जाए, तो बचा हुआ जो है तो उसको तो हम लोग चाहते हैं तेजी से बन जाए। सर आपने कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी है जो उसकी कमी वो भी भरपाई हो पाएगी। वो तो जरूरी है। देखिए एक तो हमारे लिए सबसे नहीं आ रहा तो क्या करें, बोलो ना, हम अपने तैयार करा पड़ता है होगा तो उसको शुरुआत कराने भी चले आवेंगे। आज तो इसलिए देख रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी बन जाए, तो बचा हुआ जो है तो उसको तो हम लोग चाहते हैं तेजी से बन जाए। सर आपने कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं और जो स्वास्थ्य कर्मी है जो उसकी कमी वो भी भरपाई हो पाएगी। वो तो जरूरी है। देखिए एक तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसमें प्रोफेसर्स की और अन्य एम्प्लॉइज की बहाली पूरी करनी चाहिए और सब यहाँ पर रहे, बच्चे बच्चियों को पढ़ाए और उसके साथ साथ लोगों का ट्रीटमेंट करे, इलाज करे। आप समझ रहे हैं ना, तो हम लोग तो इलाज तो चाहते हैं ना कि किसी को बिना मतलब के बाहर न जाना पड़े, हर तरह का इलाज उसको वहीं हो जाए तो कितना अच्छा होगा, कितना सुंदर है। और दूसरी बात है जो इन्होंने बताया है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसको आने का जो रास्ता भी बना दे रहे हैं ताकि एकदम 4 लेन से सबसे जुड़ जाएगा, रेलवे लाइन है उसके साथ उससे भी जुड़ जाएगा ताकि किसी को यहाँ पर आने में और यहाँ से जाने में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो। तो वही देखने के लिए आए, तुमको दिखा रहे हैं तो ठीक है, हमको तो पूरा भरोसा है कि एकदम बिल्कुल। अब देखिए ये लड़कियों के लिए ये है हॉस्टल, तो उधर छात्रों के लिए है, तो ये सब हो रहा है। कब तक हो जाएगा सर ये उम्मीद? ये कह रहे हैं कि 6 महीने 15 अगस्त के पहले हर जिले में मेडिकल कॉलेज। हाँ हर जिले में तो हम लोग सोच रहे हैं, लेकिन अभी जितने का तय किया उसको तो पहले कर न देंगे। और इंजीनियरिंग कॉलेज तो हर जिले में हो ही रहा है और मेडिकल कॉलेज भी हम लोगों की इच्छा है। अगर मान लीजिए कि हर जिले में नहीं, मतलब छोटा छोटा अगल बगल है तो मिला करके भी एकदम जरूर हो जाना चाहिए ताकि लोगों को ट्रीटमेंट पर सुविधा हो। कि तुम लोग आगे के बारे में सोच ही रहे हैं? ये आमूलचूल परिवर्तन स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में अभी देखिए ना भाई, स्वास्थ्य सेवा का सवाल है कि सब बना देंगे सब तरह का, तो उसको तब सब तो इसलिए सब कुछ ना होगा लोगों को सुविधा इलाज कराने में। और सबसे बड़ी बात है कि लड़के लड़कियों को पढ़ाएंगे। अब तो आप जान रहे हैं मेडिकल कॉलेज में भी और इंजीनियरिंग कॉलेज दोनों जगह अब महिलाओं के लिए हम लोगों ने 1/3 रिजर्वेशन कर दिया है। अब पढ़ेगी उससे भी ज्यादा, जान लीजिए जब हो जाएगा ना इतना, तो उसके बाद उससे भी ज्यादा पड़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार समीक्षा भी की जा रही है और स्वास्थ्य सेवाएं ज्यादा से ज्यादा बेहतर हम अपनी आम जनता को दें, ये हम लोगों की कोशिश है। तो आज तो मुआयना समीक्षा करने यहाँ आए हैं कि भाई क्या प्रोग्रेस है छपरा के मेडिकल कॉलेज का। और जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने विस्तार रूप से आप लोगों को बताया, सड़क से लेकर के इंस्टीट्यूशन में मेडिकल कॉलेज में हर एक सुविधा, लड़कों को लड़कियों को पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए, खेल कूद की भी अलग से व्यवस्था, ऑडिटोरियम की भी व्यवस्था, अलग अलग कॉम्प्लेक्सेस बने हैं उसमें भी सारी चीज़ें जो है
कार्य प्रगति पर है और 15 अगस्त से पहले जो है इसका उद्घाटन किया जाएगा।